बारिश भी नहीं हो रही भाई, सूखा सूखा यहाँ तो एकदम। बारिश हो रही थी सिर्फ जंगल में और डैम के पास में बस, लेकिन मजा आ गया, सारा मूड ठीक हो गया हमारा। फाइनली सोसाइटी पहुंच चुका और यहाँ भी देखो बिल्कुल ही बारिश ही नहीं हो रही है, यहाँ भी सूखा सूखा है। तो अभी हम घर पहुंचे हैं और ये देखो इतने सारे आम निर्मल भैया लेके आए आपके पेड़ से। हाँ, तो ये अपने पेड़ से लेके आए हैं भाई, पके हुए मस्त, पूरा एक टोकरी। ओलू सरदा आ गए हैं। तो भैया इस घर पहुंच चुके हैं, लेकिन घर पहुंचने मेरा लेट हो गया, तो मम्मी को बोल रहा हूँ मैं कि खिचड़ी बना लो सबके लिए, सबसे बढ़िया खिचड़ी जल्दी बन जाएगी, मम्मी को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। निर्मल भैया वाले आम खाते हैं, डन। गाइज मैंने पिछले दिनों में इतने आम खा दिए क्योंकि यहाँ पे इतने आम हो रहे हैं ना, मतलब सब बांट के जा रहे हैं, जैसे अब निर्मल भैया सब आ रहे हैं बांट के, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वेस्ट ही हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि पूरी हल्द्वानी में सब आम के पेड़ हैं सबसे ज़्यादा। तो अभी डिनर आ चुका है, मस्त खिचड़ी बना दी मम्मी ने, तो मैं एडिटिंग कर रहा था। थैंक यू मम्मी, अब रेस्ट करो आप।